वेलकम टू माय चैनल टेक हेल्थ। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं जिस प्रोडक्ट का रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाला हूं, उस प्रोडक्ट का नाम है पावर जेल सस्पेंशन, यानी कि जो पावर जेल सस्पेंशन, इसके बारे में फुल डिटेल्स होने वाली इस वीडियो में। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर से देखिएगा। तो चलिए, टाइम को बिना डिले करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं जो पावर जेल जो सस्पेंशन है, कुछ इस प्रकार से कंपनी की तरफ से पैकिंग की गई, जो कि काफ़ी अच्छी और काफ़ी इफेक्टिव सी पैकिंग की गई है। साथ ही क्वांटिटी की बात करें तो 30 ml की बोतल आपको किसी मेडिकल स्टोर से, केमिस्ट शॉप से आप आसानी से अवेलेबल परचेज कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे इसकी MRP, यानी MRP इसकी 79 rupees रखा गया है, जो कि 30 ml की बोतल काफ़ी इसकी थोड़ा सा कॉस्टली रखा गया है, बट यह एक जेनरिक मेडिसिन है जो कि आपको कम में भी मिल सकता है। अब देखेंगे इसकी कंपनी, यानी कि सिप्ला कंपनी के द्वारा पैकेजिंग की गई, जो कि काफ़ी अच्छी काफ़ी इफेक्टिव है। उसके बाद देखेंगे कि जो पावर जेल सस्पेंशन है, इसका इस्तेमाल किन किन प्रॉब्लम पे किया जाता है, साथ ही इसमें कंपोजिशन क्या डाला गया है। तो इसमें कंपोजिशन देखेंगे तो इसमें ऑफ्लॉक्सासिन एंड मेट्रोनिडाजोल सस्पेंशन डाला गया है। उसकी कंपोजिशन कंटेंट की बात करें तो ऑफ्लॉक्सासिन इसमें 50 mg में अवेलेबल किया गया है, साथ ही मेट्रोनिडाजोल की बात करेंगे तो इसमें 100 mg में अवेलेबल किया गया, जो कि आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव है। उसके बाद देखेंगे कि जो पावर जेल सिरप है, इसका इस्तेमाल किन किन प्रॉब्लम में किया जाता है। तो इसका मुख्य इस्तेमाल हो सकता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, यानी कि पेट में किसी प्रकार के इन्फेक्शन हो या अमीबिया पेचिस इन्फेक्शन, उसके बाद GI दस्त, परजीवी संक्रमण, यूरिन इन्फेक्शन, उसके बाद प्रोस्टेटाइटिस, पेट में अल्सर, डायरिया, पेट ममोर, लूज मोशन या पेट में किसी प्रकार से ऐठन, यानी बच्चों को किसी प्रकार के कारण पेट में ऐठन वगैरह होने लगते हैं और लूज मोशन की प्रॉब्लम होने लगती है। कभी कभी बच्चे लूज मोशन करते समय बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं, उस समय पे क्या होता है कि उनके पेट में मोड़ हो सकती है, उसके बाद पेट में ऐठन भी देखने को मिल सकता है। साथ ही बच्चों के दांत निकलने के वक्त भी बहुत सारे बच्चों में देखा गया है कि उसकी लूज मोशन की प्रॉब्लम होती है। उस कंडीशन में भी आप पावर जेल सस्पेंशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि 1 महीने से लेकर के 6 साल के बच्चों के लिए है। जो कि इसकी डोज की बात करेंगे तो डोज आपको डॉक्टर कंसल्ट करते हैं और बताते हैं कि कितना ml आपको इसकी डोज देनी चाहिए। उसके बाद इस पर लिखा गया सेक वेल बिफोर यूज, यानी कि जब भी इस सिरप को इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले अच्छी तरह से इसको सेक कर लेंगे, उसके बाद ही इसका इस्तेमाल करेंगे। तो अब देखें कि जो पावर जेल सस्पेंशन, इसका कुछ क्या साइड इफेक्ट भी देखने को मिलता है। तो कॉमन साइड इफेक्ट इसका हो सकता है जैसे कि सीने में जलन, पेट दर्द, चक्कर आना, उसके बाद पेट की गैस, मतली या उल्टी, सिर दर्द, मुंह का सूखना, यानी कि ये सारी सिम्टम्स हो सकती है। अगर आपके बच्चों को इसको देने के बाद कोई भी सिम्टम दिखता है तो इसको फौरन आप बंद कर देंगे, फौरन आपको किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ सकता है। उसके बाद अगर आपके बच्चों को या जो कॉम्पिटिशन है जैसे एलर्जिक है तो आप अपने डॉक्टर को जरूर से बताएं, या आप अपने बच्चों को पहले से कोई हर्बल मेडिसिन दे रहे हैं तो भी आप डॉक्टर को जरूर से बताएं। उसके बाद जब भी कोई मेडिसिन का आपको इस्तेमाल करना चाहिए तो विदाउट डॉक्टर से आप नहीं इस्तेमाल करें तो ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि मैं कोई भी मेडिसिन सजेस्ट नहीं करता हूँ, केवल और केवल आपके लिए जानकारी के लिए इस वीडियो को अपलोड करता हूँ। अगर आपको किसी प्रकार का मेडिसिन का यूज करना हो बच्चों, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यह एक मेडिसिन होती है जो कि आपको कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट भी देखने को कभी कभी मिल सकता है। तो अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हुई तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट और एक फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।